नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क की शातिर क्रिमिनल की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दुनिया में ना जुर्म की कमी है और ना ही मुजरिमों की, पर बात जब मासूम बच्चों की और उनके साथ किए जाने वाले दुष्कर्मों की आ जाए तो हम कभी सहज नहीं हो पाते। पूरी दुनिया में मासूम बच्चों के साथ कई तरह के जुर्म होते हैं। अपने ही देश की बात कर लें तो सालाना 5,000 बच्चियों के साथ दुष्कर्म की कंप्लेन रजिस्टर होती है और कभी कभी जख्मों को ढांक देने की सनक उसे नासूर बना देती है। सोचिए उन वारदातों का क्या जिन्हें बाहर आने से पहले ही दबा दिया जाता है, कभी परिवार की तरफ से तो कभी अपराधी की तरफ से। तेरा घर से बाहर निकलना बंद, बाहर जायचं नाही, कळलं? काय बाहर नाही जायचं, काम करतीये मी। अरे बाहर में गया तेरा काम, तू कहीं चला जाता बाहर में। आपका टिफिन, ये क्या है मितेश? आज संडे की भी छुट्टी नहीं, मुझे लगा हम आज मार्केट चलेंगे। मैं क्या करूं, बॉस ने बुलाया है तो जाना पड़ेगा। एक काम करना, मार्केट आज प्लीज अकेले चल जाना, प्लीज। बाय। ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब खजाना। क्या? खजाना। वेरी गुड, अब हम दूसरा वर्ड सीखेंगे। अरे लेकिन यहाँ पे एक बच्ची थी, उसका नाम क्या था, भूल गया मैं। हाँ, जुई। जुई नहीं आई? नहीं सर, वो आज नहीं आई। चलता, तुम तो उसके पड़ोसी हो ना, तुम बताओ क्या हुआ। सर वो उसके बाबा ने ना उसको बहुत मारा तो उसके सर पे ना 6 टाके आए। बेचारी बच्ची, बाप भैया राक्षस है। तीन दिन हो गए हमारी बेटी नव्या को गायब हुए, पर आप लोगों ने कुछ नहीं किया और आज वो जिंदा नहीं है। क्या फायदा है फिर पुलिस कंप्लेंट करने का। तिवारी जी, मुझे सच में बहुत खेद है कि हम वक्त रहते नव्या को ढूंढ नहीं पाए। अब बैठिए प्लीज, प्लीज बैठिए। नव्या की बॉडी हमें निर्मल नगर के एरिया से मिली थी, क्या आपकी जान पहचान का कोई है वहाँ, या नव्या अपने आप वहाँ तक जा सकती थी? 12 साल की थी मेरी नव्या, इतनी दूर में उसे अकेले कभी नहीं भेजता। मतलब उसे आप ही के एरिया से उठाया गया? वो पता लगाना आप लोगों का काम है, कम से कम हमारी नव्या की बॉडी तो दे दीजिए ताकि हम उसका अंतिम संस्कार कर सके, उसकी आत्मा को शांति मिल सके। जरूर कर ले। शिर्के, ये बॉडी हमें बाय चांस मिल गई, नव्या को हम बचा नहीं पाए लेकिन उसके कातिल को हर हाल में ढूंढ निकालेंगे। सर इस महीने टोटल 3 मिसिंग केसेस आए हैं। शिर्के, नव्या की पीएम रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगाओ और अपने एरिया का डंपिंग ग्राउंड भी चेक करो। ठीक है सर। इतनी विकृत मानसिकता किसकी होगी। देव बेटा, सब्जी बना दी है, ठंडी हो जाए तो सारे टिफिन पैक कर देना, ठीक है? और तब तक मैं रोटी और बना लेती हूँ। भैया मेरा टिफिन जल्दी पैक कर देना, मुझे ना कॉलेज के लिए बहुत देर हो रही है, मैं नहा कर आती हूँ।
जुई बेटा तुम ठीक तो हो ना? जुई कौन आएगा? कुमार सर, सर अंदर आओ। नमस्ते सर। नमस्कार, ये लीजिए। आओ, इसकी क्या जरूरत थी? नहीं रखो रखो, आइए ना बैठो। थैंक यू। मैं आपके लिए चाय बना के। अरे रहने दीजिए। जुई ये तुम्हारे लिए स्केचबुक। यू लाइक ड्राइंग राइट? थैंक यू सो मच सर। देखिए तो बच्चे के लिए ऐसा माहौल ठीक नहीं है। माहिती है सर, पर क्या करने का, इसका बाप बेवड़ा है। अच्छा, पहले बाहर मर्दों के साथ चक्कर चलाती थी, अब घर तक बुला लिया। अरे सॉरी सर, काय बोल तू बाजी, टीचर है जुई का। हाँ बाबा, टीचर है माजा। टीचर है ना तो स्कूल में रहने का। क्लास में मुझे बच्चों ने बताया तुमने जुई को मारा। सिर्फ फूल से बच्ची को मारते हुए शर्म नहीं आती? सर बाबा को मत चिल्लाओ ना प्लीज। ए जुई, तेरे सर से डरता नहीं मैं, ज्यादा डेढ़छानी मत बन समझी ना। तुम जैसे लोग ना बच्चे डिजर्व ही नहीं करते। मेरी बच्ची है, मैं मारू पीटू काटू जो चाहे करूं, तू अपना काम कर मास्टर। हाँ तो वही कर रहा हूं मैं। अगर ये वापस क्लास नहीं आई है और आज के बाद तूने अगर इसे फिर से मारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई एम पर्सनली सी टू इट। तू अपना ख्याल रखना बेटा। क्या सर को कुछ भी बोलते है तू? अरे आशा, कहाँ थी इतने दिनों से, नजर नहीं आई। मैं बाहर थी थोड़ा। अच्छा, और सब ठीक है? हाँ बस सब ठीक है, अब मुझे थोड़ी जल्दी है, मैं चाहती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। बेटा ये नव्या आपकी फ्रेंड थी ना? जोया और रूही भी। तुम लोग एक ही स्कूल में जाते थे? नहीं सर, हम लोग लास्ट ईयर ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। अब ये अभी पुराने स्कूल ही जाती है, इसका एडमिशन कराने वाली थी मैं। जोया और रूही भी दूसरे स्कूल में थे और नव्या भी दूसरे स्कूल में। तुम सब मिले कैसे? पार्क में। हाँ, ये लोग रोज शाम को पार्क खेलने जाते हैं और संडे को दिन में। थैंक यू। नव्या के घर से डंपिंग ग्राउंड तक कोई सीसीटीवी है तो चेक करो, कोई ना कोई तो दिखेगा गोली लाते या ले जाते हुए। और अपने कुछ आदमी सिविल में पार्क में लगा दो। इन तीनों बच्चियों का आपस में एक दूसरे से कनेक्शन इस पार्क की वजह से, हो सकता है कि ये पार्क उनके गायब होने से कनेक्टेड हो। सर एक मिनट। हेलो, क्या ठीक है? आप एड्रेस भेज दो, हम लोग आ रहे हैं। क्या हुआ? सर दो और बच्चियों की बॉडी मिली, जोया और रूही। डॉग स्क्वाड का फोन था, वो डंपिंग यार्ड में चेक कर रहे थे, उन्होंने बताया। सर बॉडी पर डिफेंसिव वुंड्स है और रेप भी किया गया है। सर दोनों बच्चियों को नव्या की तरह सर पे वार करके मारा गया और दोनों की बॉडी सर उस गोनी में मिली है। अगर बॉडी हमें नहीं मिलती तो अभी तक डिकम्पोज्ड हो चुकी होती। एक तो वो कातिल चाहता है, एक ही आदमी है जिसने जोया रूही और नव्या का रेप करके मर्डर किया। सर सीरियल किलर? ये बंदा सीरियल रेपिस्ट भी है, इन बच्चियों की मौतें छुपाना चाहता। सर के जल्द से जल्द इन बच्चियों की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो और उनको बोलो रिपोर्ट जल्द से जल्द दे। ठीक है सर। अरे आशा, यहाँ इस समय? हाँ। आजकल तू अकेली बहुत दिखती है, घर में सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। पता है तुझे देव बहुत याद करता है, कभी आना घर पे। हाँ हाँ जरूर आऊंगी, अब अभी थोड़ी जल्दी में हूँ। हाँ ठीक है। ये आजकल जल्दी में पहुंच रहती है। मितेश आपका टिफिन रेडी है? हाँ ठीक है। ये लैपटॉप रखो अंदर। हाँ रख दो रख दो। Thank you.
लेट हो ही जाता है। चलो दे दो, आराम से आराम से आराम से। क्या हुआ, भूत देखा क्या? चलता हूं बुलाई। से 3 बच्चियां गायब हुई थी और अब वो तीनों मृत पाए गए हैं। पुलिस और प्रशासन दोनों ही इस केस को गंभीरता से नहीं ले रहे। ये सब के चलते कैसे हम अपने बच्चों को सेफ रखेंगे, ये सोचने वाले से न्यूज वाले तो कुछ भी बोलते हैं। इन्हें लगता है कि कॉप सुपर हीरोज हैं। नहीं दोस्ती, ये हमारी नाकामयाबी है, हम फेल हो रहे हैं। एक्सेप्ट कर लोगी तो खुद को मोटिवेट कर पाओगी बेहतर ऑफिसर बनने के लिए। सर शिरके, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली? सर रिपोर्ट ही चेक कर रहा हूँ। ये देखिए, रिपोर्ट के हिसाब से तीनों बच्चियों की मौत सर पे पत्थर से वार करने की वजह से हुई है। और सर तीनों को किडनैपिंग के 48 घंटे के अंदर ही मार दिया गया है। तीनों की बॉडी में भारी मात्रा में सेडेटिव मिला है, साथ ही साथ नींद की दवाई और चॉकलेट शेक भी मिला है सर। चॉकलेट शेक मतलब बच्चियों ने चॉकलेट शेक पिया और उनकी बॉडी में नींद की दवाई मिली। किडनैपिंग करने का ये तरीका हो सकता है सर? चॉकलेट शेक तो कैफेज और रेस्टोरेंट्स में मिलता है ना, यानी कोई उन बच्चियों को बहला फुसला कर कैफेज और रेस्टोरेंट्स में लेके गया। सर मुझे लगता है कि हमें सीसीटीवी फुटेज खंगालनी चाहिए कैफेज और रेस्टोरेंट्स की। नहीं ध्रुति, ये सब बस्ती में हो रहा है और हमारा किलर इतना बेवकूफ नहीं है कि बच्चों को एक्सपोज करेगा। मुझे लगता है कि शायद उसने अपने घर बुला के बच्चों को चॉकलेट पिला दी। सर पाई चौको, सर पाई चौको एक चॉकलेट शेक का ब्रांड है जो किराना स्टोर्स में बहुत इजीली अवेलेबल है, बच्चों को भी बहुत पसंद है, टेट्रा पैक में मिलता है सर। ये हो सकता है जिस बस्ती में ये हो रहा है वहाँ पता करो कि कौन कौन सी दुकान में ये पाई चौको बिकता है और किसी बड़े आदमी ने वो खरीदा था क्या, खास करके उस दिन जिस दिन बच्चियां गायब हुई। सर एक और इंटरेस्टिंग बात, तीनों बच्चियों को एक ही तरह के पत्थर से मारा गया। एक ही तरह के पत्थर? हाँ सर, फॉरेंसिक का कहना है कि बच्चियों के जख्म में जो पत्थर और मिट्टी के ट्रेसेस मिले हैं वो एक ही तरह के पत्थर के, एमेथिस्ट क्रिस्टल, जो कि सर डेकोरेशन के काम में आता है। और तीनों बच्चियों के साथ बहुत ही ब्रूटल तरह से रेप किया गया है, लेकिन सीमन के कोई ट्रेसेस नहीं मिले। डीएनए मिला? नहीं सर, फॉरेंसिक के हिसाब से तीनों बच्चियों को बहुत अच्छी तरह से नहलाया गया, उसके बाद उनका मर्डर किया गया। इसका मतलब है कि मारने से पहले और रेप के बाद उसने बच्चियों को इसीलिए नहलाया ताकि डीएनए सैंपल ना मिले। राइट सर, डॉक्टर का यह भी कहना है कि तीनों को एक ही तरह के शैम्पू से नहलाया गया। इससे ये तो क्लियर होता है कि एक ही आदमी का काम है। गोनी पे कुछ मिला? कुछ खास नहीं सर, गोनी पे बहुत सारे लोगों के फिंगरप्रिंट है। मुझे लगता है कि उसे किसी कबाड़ी वाले या फिर किसी गोडाउन से उठाया गया है। इतने सारे फिंगरप्रिंट्स को सेपरेट करना मुश्किल काम है, लेकिन करना तो पड़ेगा। फॉरेंसिक को बोलो कि सारे फिंगरप्रिंट्स को सेपरेट करें और हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं सबसे मैच करें। ठीक है सर। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? आए पापा की बहुत लड़ाई हो रही है, मुझे घर के बाहर निकाल दिया, मुझे पढ़ाई कर, मैं कैसे पढ़ाई करूं? इधर आओ, इधर बैठे जाओ। एक बात बोलूं, आई बाबा जब तक जिंदा रहते हैं ना उनका झगड़ा चालू ही रहता है, अपन कुछ नहीं कर सकते, सबके घर में यही हाल है, इसलिए रोते नहीं। फिर तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी, बस पढ़ाई करूंगी। पढ़ाई करनी है? मेरे पास ना एक बहुत ही शांत जगह है, वहां आराम से बैठ के खूब पढ़ाई करना। वेरी गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाओ, सिट डाउन।
तो प्रथम मलता भी है, बाकी के बच्चे कहाँ हैं? और जूही क्यों नहीं आई? सर उसको तो मैंने कब से नहीं देखा, पार्क में भी नहीं आई। और वो दिया क्यों नहीं आई? सर उसकी मम्मी ने उसको मना किया है, उसकी मम्मी उसको घर से बाहर ही नहीं निकालती। पर क्यों? सर बस्ती में 3 लड़कियों की मौत हो चुकी है, मेरा रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है, नहीं तो मैं ये एरिया ही छोड़ देती। मैं दिया को नहीं भेजूंगी, मैं सिंगल मॉम हूँ और दिया के सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, आप भले उसे मेरे क्लास ना भेजिए लेकिन उसे स्कूल तो कम से कम भेजिए ताकि डिसिप्लिन बना रहे मैडम, और बाकी आप उसकी माँ हो तो आप बेहतर समझती हो। ठीक है सर मैं देखती हूँ। सर पिछली बार उसके फादर ने उसे मारा था और आज देखा तो घर पे लॉक लगा हुआ है। सर ये जुई की बहुत ही टेंशन हो रही है, आप प्लीज उसे ढूंढिए ना। सर विश्वास जी आप इतना सब कैसे जानते हैं? सर मैं जुई की ट्यूशन लेता हूँ, कुमार क्लासेस का नाम तो आपने सुना होगा। तो ये कुमार क्लासेस तो बहुत एक्सपेंसिव है ना? हाँ लेकिन वो एक्चुअली वो सिर्फ उनके लिए है जो अफोर्ड कर सकते हैं। सर आई वॉज इन US, प्रोफेसर था वहाँ पे मैं, तो मेरी बेटी बचपन में ही गुजर गई तो देन आई गॉट डिवोर्स्ड, सो आई केम बैक हियर, अपने देश वापस आ गया मैं और यहाँ के बच्चों की मैंने कोचिंग क्लासेस खोली और अपने फ्री टाइम पर खास करके वीकेंड्स पर मैं बस्ती के बच्चों की ट्यूशंस लेता हूँ एब्सोल्युटली फ्री। और सर ये जुई निचले तबके की फैमिली को बिलोंग करती थी, बाप कारपेंटर और माँ मेड का काम करती है। क्या नाम बताया आपने बच्ची का? जुई इंगड़े। जुई इंगड़े। सर जुई इंगड़े की माँ स्मिता इंगड़े ने अपने पति बाजी इंगड़े के खिलाफ पुलिस कंप्लेन फाइल की थी। सर बाजी अपनी पत्नी को बहुत मारता था, बाजी अभी हमारे कस्टडी में है सर। कहा जा सकती है मुझे? वो जुई घर पे ही होगी ना उसकी माँ के साथ। वही माँ जिसे तू रोज मारता है ना। साहब मेरी बीवी स्मिता का चरित्र अच्छा नहीं है साहब, जब देखो तब किसी ना किसी मर्द के साथ टाका बिड़ा रहता है उसका, इसलिए रोज अपनी बीवी और बच्ची को मारता है। नहीं नहीं साहब, मैं मेरी बच्ची जुई से बहुत प्यार करता हूँ, वो तो पीने के बाद कहाँ होश रहता है साहब। मेरी बच्ची को ढूंढो साहब। तेरी बीवी तेरे घर पे नहीं है, तुझे कुछ पता है कि कहाँ जा सकती है? साहब उसका किसी राजू नाम के आदमी के साथ चक्कर चल रहा है, मैंने खुद उसे 2-3 बार फोन पे बात करते हुए सुना है उससे। वो बेवड़ा दारू पी के सोया पड़ा है, अब भूकंप भी आ जाए या मैं भी भाग जाऊं उसको पता ही नहीं चलेगा। ओ मेरे को भी तेरी भूख लगी है मेरे राजू काजू। ये राजू कहाँ काम करता है? नहीं मालूम सर। इसे इसकी बीवी का नंबर लो, ट्रैकिंग पे डालो और बस्ती में जाके पूछताछ करो, जुई शायद अपनी माँ के साथ हो, और ये राजू का भी पता करो। बाजी ने मेरे को बहुत मारा, पुलिस उसको लेकर गई, मेरे को बहुत चोट लगी थी, 2-3 दिन मैं बिस्तर पे पड़ी रही, जुई ने सगड़ केला, मेरी जुई ने बहुत सेवा की मेरी। को थोड़ा सा ठीक लगा इसलिए मैंने उसको पनीर लाने के लिए बोला, मेरे जुई को पनीर बहुत पसंद है, मैंने सोचा जुई के लिए उसको पसंद की भाजी बनाती है। वो पनीर लाने गई और फिर वापस आई ही नहीं। मैं कल से उसको ढूंढ रही है। स्मिता जी आपको पुलिस को बताना चाहिए था। पुलिस को क्या किया है पुलिस ने? 3 बच्चियां मरी है, उनके भी माँ बाप लोग आए होंगे ना तुम लोगों के पास, क्या किया तुम लोगों ने? देखिए आपके पति ने हमें बताया था कि आपका और राजू का खोटा रहा है, तो झूठ बोलता है वो। अरे राजू तो वॉचमैन है, मैं जिस कॉलोनी में काम करती है उस कॉलोनी का वॉचमैन है वो, तो कभी किसी को अगर बाइक की जरूरत होती है तो वो वॉचमैन को बोलते है, इसलिए मैं राजू से बात करती हूँ। लेकिन मेरा आदमी है ना बाजी, वो एक नंबर का शकी है। स्मिता जी जो तीनों लड़कियां गायब हुई है उन तीनों को पी चौको में नशे की दवाइयां मिलाकर दी गई थी। क्या आप जानती है कि पी चौको बस्ती में कौन लेता है? कोई बड़ा आदमी, बच्चा नहीं। हाँ देव, देवरी जुआनी, वो पी चौको लेता रहता है और बच्चों में भी बांटता रहता है। मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ। टिफिन रख लिया ना बेटा? हाँ ध्यान से जाना ठीक है।
देवरजवानी जी, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ सर? बहुत शौक है ना इसे पीने का। तो क्या हो गया, पी लिया तो सर? मेरा फोन चुप। सर ये देखिए, पूरा फोन कॉन्फ्रेंस से भरा हुआ है सर। और तो और इसमें इसकी बहन के भी नहाते हुए और चेंज करते हुए वीडियोज हैं। भैया जुई कहाँ है? साहब मेरे को क्या मालूम जुई किधर है? जुई कहाँ है? मम्मी कसम से मेरे को कुछ नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं किया। सब ने किया क्या? चलन चलन चलो। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर, मेरा भरोसा करो, कुछ नहीं किया मैंने। भागा क्यों? साहब मैं वो इलीगल पॉन देखता हूँ ना, तो साहब मेरे को लगा आप लोग मुझे पकड़ने आए हो। बकवास बंद कर, ये बता जुई कहाँ है? वो पाई चौकू पिला के फुसलाया ना तूने उसे? सर मैं मानता हूँ कि मैंने जुई को पाई चौकू पीने के लिए दिया था। तो क्या हो गया सर, मैं बाकी बच्चों में भी तो बांटता हूँ ना सर। उस रात जुई मिली थी तो उसको दे दिया था सर। सर मैं जुई को पार्क ले गया था सर, पढ़ने के लिए। दादा आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। सर बच्चों को मैं उस नजर से नहीं देखता हूँ सर, पर आखिरकार हूँ तो मर्द ही ना सर। कोई लड़की मेरे को छूने तक नहीं देती है सर, वो रेड लाइट एरिया जाता हूँ ना वहाँ पे भी नहीं छूने देती है सर। अपनी को ना पैसे से मतलब है, रोकड़े चाहिए समझा तू, चाहे कोई कैसा भी हो। मैं देगा ना तेरे को पैसा चल। अबे चल हट ना। अरे तू जितना मांगेगी उतना दूंगा मैं पैसा। तू जैसे को ना मैं हाथ भी नहीं लगाती समझा तू, चल हट। मैंने किसी लड़की को सर आज तक छुआ तक नहीं है साहब मैंने, और वो जुई तो बच्ची थी ना साहब। ये जब तक सच नहीं बोलता ना इसको तोड़ो, और इसके फिंगरप्रिंट्स गोनी के साथ मैच करो, और इसके घर में वो दवाइयां या पत्थर वगैरह है क्या चेक करो। मैं साहब मेरे पास कुछ किया नहीं है ना साहब। अरे जया क्या हुआ जी? जया क्या हुआ, ऐसी क्यों बैठी हो? जुई कल से गायब है, उन्होंने देव को पकड़ा है। देव? मुझे ना उस पर डे वन से शक था, वो दिखता ही है वैसा उसकी नजर में। खैर मैं फ्रेश होकर आता हूं। जुई के माता पिता लड़ने में इतने मशरूफ थे कि वो अपनी बच्ची को ही नजरअंदाज करने लगे थे। वहीं देव का खुद पर से काबू खोना ही उसे अपने भाई के रिश्ते को शर्मसार करने के लिए उकसाता था। जुई के माता पिता और देव की हरकतों का हर्जाना आज उनका पूरा परिवार भुगत रहा है। पुलिस के लिए यह केस चुनौती बनता जा रहा था, क्योंकि बच्चियों का शिकार हो रहा था और पुलिस को शिकारी की भनक तक नहीं मिल रही थी। सर ये देव को बहुत तोड़ा लेकिन जुई के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। और सर गनी बैग्स में भी हमें देव के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, और ना ही देव के घर से हमें कोई नशे की दवा या नशे की गोली मिली है, और ना ही कोई पत्थर। और सर मैंने मोहल्ले में बच्चियों और लड़कियों से भी पूछताछ की है, उनका कहना है कि देव ने उन्हें कभी भी गलत नजरों से नहीं देखा। ये किया किसने होगा? मेरे पति ने। ये देखिए ये तो बच्चों की फोटो है। लास्ट वाला फोटो जुई का है सर। सर हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं, दारू पीना नशा करना नॉनवेज खाना ये हम लोगों में मना है, लेकिन मेरे पति ये सब कर रहे हैं। और फिर मैंने उन्हें पार्क में भी देखा बच्चों को देखते हुए। सर ये स्टोन आप जानते हैं इसके बारे में? इसी का तो बिजनेस करते हैं मेरे पति, ऐसे सेमी प्रेशियस स्टोन्स के डीलर है वो। सर एक मिनट। हेलो क्या सर जुई की बॉडी मिली है? ये बॉडी है गोनी में मिली है।
सर, इन लोगों का कहना है कि इन लोगों ने कल रात में यहाँ पे सफाई की थी, उस समय यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब किसी ने कल रात में ही बॉडी डंप की है। कल रात में? कल रात तो देव जेल में था। सर हो सकता है कि कोई देव का साथी हो। सीसीटीवी? हाँ सर, मैंने चेक कर लिया, यहाँ आसपास में कोई दुकान नहीं है, एक दुकान है उसके अंदर सीसीटीवी लगा हुआ, रात का फुटेज नहीं मिला सर। जया, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, मेरा मोबाइल कहाँ है? हमारे पास है, और इस फोन में जो फोटोज और वीडियोज हैं वो भी हमने देखे। लेकिन सर फोटोज क्लिक करना गुनाह थोड़ी है? छुप के फोटो क्लिक करना गुनाह है। वैसे आप तो कानून जानते होंगे नितेश शाह जी, या क्या नाम था? जय रस्तोगी। जय रस्तोगी क्या? 10 साल पहले आपको रेप की सजा हुई थी दिल्ली में। रेप? पुरानी आदत है शिरके, जल्दी से जाती नहीं। लेके चलो और इसके सारे स्टोन्स भी फॉरेंसिक में भिजवा दो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जया वाकई कुछ नहीं किया। जया मर जाइए। अरे छोड़ो। अरे गुंडागर्दी सूझ रही है क्या तुमको? हाँ, एक एक गला ऐसा थोपटनर ना, इसको हाथ लगाया तो सबका सब लॉकअप में जाएगा। चलो अपने अपने घर जाओ। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, 10 साल पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी सर, मैं भी नशे में था, वो भी नशे में थी, गलती हो गई, केस चला, मैंने कोर्ट में गलती एक्सेप्ट की और 7 साल की सजा काटी। मैंने बाहर आया तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा था सर, दिल्ली छोड़ के मुंबई आया, सब कुछ छोड़कर भाग आया, फिर मेरा नाम बदल दिया, आइडेंटिटी बदल दी, सब कुछ नए सिरे से शुरू, ताकि लोग मुझे इंसान समझे, इंसान की तरह बर्ताव करे मेरे साथ। लेकिन आप पुलिस वाले हैं तो आपको तो गड़े मुर्दे उखाड़ के ना जिंदगी बर्बाद करने में ही इंटरेस्ट है। अरे रेप केस तेरे पे चला, बच्चों की फोटो तेरे फोन में, गार्डन में बैठ के बच्चों को तू देखता है और यहाँ ज्ञान दे रहा है। जितने बच्चों की फोटो है ना तेरे फोन में, सबका मर्डर हुआ है उस स्टोन से जो तू बेचता है। सब आप जिस स्टोन की बात करते ना, वो अमेथिस्ट बोलते हैं उसे, वो आसाद जगह पे मिलता है। कल रात को कहाँ था? जूही की बॉडी फेंकने के लिए गया था? नहीं सर, कल रात मैं घर पे ही था, और सच कहता हूँ सर, मैं बाप नहीं बन सकता सर, मेरी बीवी ऑर्थोडॉक्स है, उसे अडॉप्ट करना पसंद नहीं है, वो मना कर रही है, बस बच्चों के फोटो खींचता हूँ, उनके चेहरे देखकर मैं कुछ आनंद बटोरने की कोशिश करता हूँ, बस और कुछ नहीं है। लेकिन किसी के साथ मैंने कुछ गलत नहीं किया सर, बच्चों के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। शिरके, इसके मोबाइल के लोकेशन की सारी डिटेल्स निकाल, बच्चों के साथ गलत काम करने के लिए जहाँ भी ले जाता होगा ना सब सामने आ जाएगा, और इसका और देव का कनेक्शन भी देखो सर। यहाँ तो कोई भी नहीं है, ऐसे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, मुझे कुछ करना होगा। सर जो पत्थर हमें मिले हैं वो बच्चियों के मुंड से मैच नहीं कर रहे हैं, और सर ये मितेश और देव मर्डर और किडनैपिंग के समय दोनों के एलिबाई है। सर कैसे हो सकता है, सीसीटीवी में कुछ नहीं मिला। सर बस्ती में तो एक भी सीसीटीवी नहीं है, लेकिन हमने बच्चियों के दूसरे रूट्स के सीसीटीवी चेक किए, उनके स्कूल के, उनकी क्लासेस के एक्सेट्रा, लेकिन सर उसमें भी कोई कॉमन शख्स नजर नहीं आया। सर ये सब इन्होंने किया है, मतलब मेरे पति नितेश ये सच में जय रस्तोगी है? सर मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए उनका जो पास्ट था वो तो खैर था, लेकिन बच्चियों के साथ उन्होंने ऐसा कुछ किया है ऐसा कोई एविडेंस अभी तक हमें मिला नहीं। शिरके पूरी बस्ती में सीसीटीवी कैमरा लगा दो और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर देव और नितेश ने ये नहीं किया है तो उसका मतलब है कि क्रिमिनल अभी भी खुला घूम रहा है। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि जैसे हमने केस सॉल्व कर लिया है, ताकि ये रेपिस किलर जो है ये रिलैक्स हो जाए और शिकार करने के लिए फिर खुले में निकले। और बस्ती में हमें एक घर चाहिए होगा ये सब बैठ के मॉनिटर करने के लिए, एक किराए पर घर देखो। सर मेरा घर है, आप मेरा घर यूज़ कर सकते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, थैंक यू। अरे वाह आशा मैम,
मैं अच्छी हूँ। तुम्हें पाए चोको पसंद है ना, ये देखो तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। अरे वाह, ये ना पी लो। पी लो तुम्हारे लिए। चल मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। सर मेरे बेटे दिया वो मिल नहीं रही है मुझे सर, वो 5:30 बजे तक घर आ जाती है। हाँ 7 बज गए अभी तक नहीं आई। मैंने सबसे पूछा, किसी को कुछ नहीं मालूम। क्या? ठीक है सर, दिया गायब हो गई है, कुछ दिखा फुटेज में? नो सर, मैं दोबारा चेक करती हूँ। कट इट। शिंदे, कुछ मिला? नहीं सर, हम लोग चेक कर रहे हैं। कट इट, यहाँ पर देखना। ये सब क्या हो रहा है? मुझे पता चला था कि आप लोगों ने केस सॉल्व कर लिया था, तभी मैंने अपनी बच्ची को भेजा था आज। गार्गी, गार्गी रोने से नहीं, हिम्मत से दिया मिलेगी ना। गार्गी जी आप मुझे बताइए, दिया कितने बजे स्कूल से निकलती है? 5 बजे उसका स्कूल खत्म होता है, 5:15 बजे तक वो बाहर आ जाती है। 5:15, 5:15 के बाद का फुटेज सर। सर इस फुटेज में तो कोई भी सस्पिशियस आदमी नहीं दिख रहा है। आदमी नहीं, औरत है। ये कॉमन है, ये मुझे लगभग हर बच्चे के आसपास नजर आई है। सर ये तो आशा है। सर ये तो आशा है, विश्वास कुमार की बीवी। विश्वास कुमार वो ट्यूशन टीचर। हाँ सर, ये मेरे 3 दिन पहले मेरे घर आई थी। देखो अब केस तो सॉल्व हो गया है, बच्ची की पढ़ाई मिस मत करवाओ। वैसे विश्वास कह रहे थे कि दिया उनके क्लास की सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। अगर तुम कहो तो मैं उसे पिकअप ड्रॉप कर लेती हूँ। नहीं आप रहने दीजिए, आप ठीक ही कह रही हैं, जब केस सॉल्व हो गया है तो मैं भेजती हूँ। ये विश्वास कुमार रहता कहाँ? सर मुझे तो सिर्फ क्लासेस का पता मालूम है। सर सरिता काकी को पता होगा, वो कभी कभी इनके यहाँ टिफिन भेजती थी। ले जाइए इसे यहाँ से। देखिए देव ने उन बच्चियों का मर्डर नहीं किया है, लेकिन बहन की इज्जत का तो किया है ना, रोज रोज वीडियो बनाकर। देख बहन, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दे, कभी नहीं करूंगा। देख छोड़ो मुझे। मम्मी सॉरी, मैं तेरे पापा बोलता हूँ। मम्मी मैंने सब कुछ नहीं किया। माँ पीछे तू पर क्या हमारे लिए, निकल इस घर से। माँ मैंने सच में सुदानी, तूने निकल यहाँ से। सरिता जी हमें विश्वास का एड्रेस चाहिए, उसी ने ये सब किया है और आशा उसके साथ मिली हुई थी। क्या? लेकिन विश्वास और आशा तो दोनों अलग रहते हैं। विश्वास बस्ती के बाहर नुपुर कॉलोनी में रहता है और आशा स्टेशन के पास। मेरी बेबी उड़ गई। दिया कहाँ है? मुझे क्या मालूम। इना दर उठा। अरे आप कहाँ जा रहे हो? सर सर एक क्रिस्टल मिला है, इसमें ब्लड भी लगा हुआ है। मुझे लगता है कि उन बच्चियों का सर इसी से फोड़ा गया है। दिया कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। दिया कहाँ है? नहीं मालूम है। तो आदमी प्यार करती हूँ मैं विश्वास से, सच्चा प्यार। उनकी हर जरूरत को पूरा करना मेरा धर्म है। अमेरिका में भी तूने बच्चों का लैंगिक शोषण किया,
और वहां पकड़े जाने से पहले भाग के इंडिया आ गया। यहाँ के भी यही गंदगी फैला रहा है। अरे बच्चियां थी वो, बच्चियां थी इसीलिए तो पसंद थी मुझे। उनका कोई नाटक नहीं होता, वो उनका प्योर लव होता है। प्योर लव नहीं, लस्ट कहते हैं उसे, हवस, समझा? कितनी बच्चियों के साथ ये घिनौना काम किया है। 15 तो याद है मुझे, वो दिया स्वीट 16 होती। मैं म्युनिसिपैलिटी में काम करती थी, अनाथाश्रम की देखभाल, बच्चियों की दवा, स्कूल का मिड डे मील सब संभालती थी। नफरत हो गई थी मुझे उन लड़कियों से, ना तमीज थी ना लिहाज। बच्चे फूल से नाजुक होते हैं, उन्हें माहौल भी वैसा ही चाहिए। एक तो वो अनाथ लड़कियां, ऊपर से उन्हें संभालने के लिए तुम जैसे वाहियात लोग, क्या उम्मीद करे ये समाज? विश्वास से कैसे मिली? अनाथ आश्रम में पढ़ाने आते थे वो। इतना हैंडसम जेंटलमैन मैंने पहली बार देखा था, फिर हम डेट करने लगे। तब आशा ने कहा कि उसका मन करता है उन लड़कियों का सर कुचल दो। और एक दिन सचमुच में उन्होंने मुझे एक लड़की लाकर मेरे सामने रख दी उसका सर कुचलने के लिए। मैंने उसे मारा, मुझे बहुत मजा आया। तब मैंने आशा को मेरा सच बताया, उसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली। मैं लड़कियां लाती थी, वो रेप करते थे। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। और मैं मर्डर। जितनी बच्चियों के साथ ये कांड किया है ना, सबकी सारी डिटेल लिख के दे। इसमें तो जुई का नाम नहीं है। मैंने जुई के साथ कुछ नहीं किया सर, वो तो मेरी फेवरेट थी, लेकिन वो मेरे हाथ ही नहीं आई। जुई को लाने की मैंने बहुत कोशिश की थी, पर आखिरी बार मैंने उसे 22 अगस्त को देखा था। सर, हमने तो जुई के फादर को 21 अगस्त को अरेस्ट किया था। जुई की माँ ने बताया कि जुई 25 अगस्त से गायब थी। नहीं सर, मैंने जुई के घर पर नजर रखी थी, 22 अगस्त के बाद तो जुई दिखी नहीं मुझे। 15 रेप और मर्डर कबूल करने वाला आदमी एक लड़की के लिए मना क्यों करेगा, जब उसने कुछ नहीं किया होगा। लेकिन सर, फिर किसने मारा होगा जूही को? सर एक मिनट। सर, जूही की पीएम रिपोर्ट, रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 22 अगस्त को हुई है। 22 अगस्त? लेकिन सर, हमें तो जूही की बॉडी 27 अगस्त को मिली थी, रात में 11:30 से 1:30 बजे के बीच में। पहले उसका गला घोटा गया, फिर उसके बाद किसी पत्थर से उसके सर पे मारा गया। सर, उसके वुंड्स में लकड़ी का बुरादा भी मिला है। बाजी कारपेंटर? हाँ सर, और जब ये सब हुआ तब बाजी हमारी कस्टडी में था। से मारा है ना जूही को? पता, पता, पता। सब बाजी मेरे को बहुत मारता था, इसलिए मैंने पुलिस कंप्लेंट करके उसको जेल में डाल दिया। और फिर अगले दिन राजू घर पे आया था, पर जूही ने मेरे को और राजू को साथ में देख लिया। मेरे राजू का जो इतना लेट पैक आया, आज मजा करेंगे, बाजी है इन्हें घर पे। बाबा, आई आई, ये कौन था? कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं है। आई, तू बाबा सही कहते थे, तुम गंदी है। गंदी? हाँ, मैं बाबा को सब बता दूंगी। जब आप लोग आए तो मैंने आपको उसके गायब होने की झूठी कहानी बताई, और फिर माँ का आंचल बच्चों को दुख दर्द से बचाने के लिए होता है। अपने उसी आंचल से अपनी बेटी को खत्म कर दिया। तेरा अपना खून थी ना वो, बची हुई जिंदगी खुशी खुशी जी लेगी। कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहानियों में भी नहीं देखना चाहते। ये जुर्म कुछ इसी तरह का था। पर हम और आप ये भी जानते हैं कि कहानियां हकीकत से ही प्रेरित होती हैं। विश्वास कुमार और आशा मानसिक रूप से विकृत लोग थे, जिन्हें छोटी बच्चियों को नुकसान पहुंचाकर उन्हें मारकर खुशी मिलती थी।
इनके लिए वो बच्चियां सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन थी। पर क्या स्मिता इनसे अलग थी? अपनी खुद की ही बेटी को उसने सिर्फ इसलिए मार दिया कि ताकि वो अपना अफेयर चालू रख सके? 100 बात की एक बात यह है कि जुर्म चाहे किसी भी परिस्थिति में किया गया हो, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। दीदी, मैंने सोचा था कि ब्याह के बाद हम दोनों साथ रहेंगे, लेकिन अपनी किस्मत ही मारी है। किस्मत तुमने बिगाड़ी है मारी। थारी वजह से मैं इतने बड़े उम्र के आदमी के साथ ब्याही गई। दोष मेरा ना है, दोष इन रिवाजों का है दीदी। 10 साल के थे हम जब माँ बाबा ने हमारा ब्याह करा दिया। हमारे साथ बहुत गलत हुआ और अब इसमें कोई सुधार ना होने वाला। अपने चाचा को अड़ंगी लगा के दूल्हा बनाए तू, पर ये मत भूलना कि जिस लड़की को मैं तेरी चाची बनाने वाला था उसी को तेरी दुल्हन बनाया है। चाचा, मारे बाग में अगर मलाई लिखी है, थारी इतनी जल क्यों रही है? जल ना रही बेटा, उबल रही है उबल। पर कोई ना, शादी की मलाई ना सही तो तेरे गोने के मलाई पुए ही खा लेंगे। अरे समधी जी, आइए आइए, कैसे हैं? हाँ जी, बस राम जी की कृपा है ऐसा। खुश रहो खुश रहो, आइए आइए। रहने दे, मैं कर लूंगी। आज आखिरी दिन है हमारा। मैं ना चाहती कि मैं आज थारे से लड़के विदा हूँ। मैंने भी घुट घुट के नहीं जीना। थारे को आज सच सुन के ही विदा होना पड़ेगा। समधी जी, ये गौने का नेग है। इसकी क्या जरूरत है? आप साक्षात कन्या के रूप में गृहलक्ष्मी दे ही रहे हैं, तो इसकी क्या जरूरत है? नहीं, नहीं। मुझसे जितना बन पड़ा कर दिया। ये लीजिए लड्डू लीजिए। अंदर लग रही हो? नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क की छात्र क्रिमिनल श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक कमरा, दो इंसान, एक मृत एक जीवित। अपराध का यह दृश्य जितना डरावना था, अपराध उससे भी अधिक रहस्यपूर्ण था। क्या बिन्नी के पति कुशल को वाकई मालूम नहीं चला था कि उसके रहते उसकी बीवी बिन्नी ने सुसाइड कर लिया था? अब सवाल यह था कि यह हत्या थी या आत्महत्या। लेकिन इस केस में एक के बाद एक सामने आने वाले चरित्र असंख्य थे। यह केस इतना उलझा हुआ था जिसको सुलझाते सुलझाते कई जांच अधिकारियों के बाल तक सफेद हो गए थे। इस अपराध का कालखंड बहुत लंबा था, लेकिन अपराधों का सिलसिला सिर्फ एक कमरे तक सीमित नहीं था। इसका पैमाना कई गली मोहल्लों, शहरों और कई राज्यों की पुलिस की नींद उड़ाने वाला था। इस गुनाह की पृष्ठभूमि पर कई खूनी खेल खेले गए थे। ये इंडियन क्राइम हिस्ट्री का एक ऐसा विचित्र केस है जिसका अपराध और अपराधी दंग करने वाले हैं। छोरा कौन है तू?
अंदर क्या देख रहे हैं आप? माफ करना छोटे जवाई सा, मुझे लगा कोई और है। अच्छा तो चोरी छिपे पलक से मिलने आए हैं आप, आइए अंदर चलिए। बिन्नी पलक छोटी जवाई सा के लिए छाछ लेकर आ। अजी सुनते हो, आइए बैठिए। कौन है? अरे अपने छोटे जवाई सा। अरे अच्छा अच्छा आओ पधारो सा, बैठो बैठो अठने। हाँ जवाई सा, तो पिताजी और भाई जी कहियां है? अच्छा अरे तो जवाई साहब ने दे छोरी। लीजिए। अरे कुछ नाश्ता वाश्ता तो दे। अरे नहीं नहीं मैं चलता हूँ। अरे जिससे मिलने आए थे उससे मिलेंगे नहीं क्या? मुझे सजावट की चीजें बहुत पसंद है, मेरा कमरा भी ऐसी सजा देना। हाँ बैठ। कुछ बोलेगी नहीं? वो क्या बोलूं मैं? अरे जो दिल में बोल दे, बोलने के कौन से पैसे लगते हैं? जी बात ये थी कि माँ ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी, बोली ससुराल में जाके चूल्हा चौका करना है। अच्छा तो तुझे चूल्हा चौकाना, पढ़ाई करनी है? अरे कोई ना, मैं नौकरी के लिए दिल्ली जाऊंगा ना, तो तू भी आ जाना, वही पढ़ लेना। दिल्ली? हाँ दिल्ली, देखिए तूने दिल्ली? अरे कोई ना, दिल्ली बम्बई कलकत्ता सब दिखा दूंगा तुझे। जी आप बड़ी अच्छी बातें कर लेते हैं। अरे बात करने के कौन से पैसे लगते हैं? सर आइए। मेरी बेटी का गौना था साहब, आज उसको जमाई जी के साथ विदा करना था और वो। लेकिन बिन्नी को देख के लगता नहीं कि वो 18 की होगी। नहीं वो 18 की थी सर, 18 की ही थी। तेरे रहते तेरी बीवी ने आत्महत्या कर ली और तुझे कुछ पता ही नहीं चला? मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी तो कल पहली रात थी बिन्नी के साथ। मारी बिन्नी को कोई परेशानी नहीं थी साहब। देखो अगर तुम और तुम्हारे जवाई हमसे कोई भी बात छुपा रहे हैं तो अभी बता दो, वरना बाद में। नहीं साहब हम कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं। शादी वादी ना लाइफ की बर्बादी है, किसी एक इंसान के साथ लाइफ बर्बाद करने से अच्छा है दोस्ती में अपनी जिंदगी ढूंढो। अच्छा तो मैं कौन से नंबर का दोस्त हूँ तुम्हारा? आई मीन मुझसे पहले भी कितने दोस्तों में तुमने अपनी सो कॉल्ड जिंदगी ढूंढी होगी। क्या हुआ, मेरा सवाल इतना चुक गया? वेट वेट वेट, यहाँ नहीं होटल चलते हैं ना। मैं एक रेपुटेटेड बिजनेसमैन की बेटी हूँ, अगर वहाँ मुझे किसी ने भी देख लिया ना तो मेरे पापा की इमेज के लिए अच्छा नहीं होगा। पद्मा यू शुड कंट्रोल रिया, तुमको पता है कि दिल्ली में आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। 11 बज रहे हैं और तुम कह रही हो कि रिया अभी तक आई नहीं है घर पर। रणबीर लेट तो तुम भी रोज आते हो, तुम अपनी बेटी से कम हो क्या? पद्मा यार तुमको तो शक करने की बीमारी हो गई है, मुझ पर दिमाग लगाने से बेहतर ये होगा कि ये मालूम करो रिया कहाँ है इस वक्त। जी जी रिया मेरा फोन ही नहीं उठा रही, पिछले आधे घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, देखो अभी भी बैल जा रही। ये रिया भी ना, ये बिन्नी का पति कहाँ? वो तो चले गए साहब। बिन्नी का पोस्टमार्टम हुआ है, बलात्कार हुआ है उसका। बलात्कार? जी हाँ बलात्कार, और जैसी दरिंदगी बिन्नी के साथ हुई है ना
ऐसा लग रहा है जैसे एक से ज्यादा लोगों ने बलात्कार किया उसका। आप भी यहीं थे ना, आपके रहते इतना सब कुछ हो गया और आपको कुछ पता नहीं चला? वो तो अपने पति के साथ। कोई पति ऐसी दरिंदगी करता है कि अपनी पत्नी के साथ? सच बोलो, इस घर में गौनी के नाम पे क्या क्या हो रहा है? क्या बात कर रहे हैं साहब? हम जो बात करें ना वो तो बाद में बताएंगे, पहले ये बोलो कुशल और उसका चाचा हमें कहाँ मिलेंगे? आप ही की गलती का नतीजा ये, आप दोनों ने हम बहनों के लिए कभी अच्छा नहीं किया। ला हाथ ला, हाथ ला। ये राखी क्यों बांध रहे हो? अरे राखी नहीं है, फ्रेंडशिप बैंड है, और हम हो गए दोस्त। दोस्त? ब्याह हुआ था हमारा। अरे वो तो बचपन में हुआ था, अभी तो हम दोस्त बनेंगे, फिर हमें प्यार होगा और फिर सर बॉडी पूरी तरह से कुचली हुई है, शायद हिट एंड रन का केस लगता है। इसका मतलब यह है कि मर्डर यहीं कहीं किया गया और यहां से ये ड्रैग करते हुए लाश को रोहतक ले जाया गया। सर लाश की पॉकेट में से पर्स मिला है सर, इसमें कुछ विजिटिंग कार्ड्स हैं और कुछ कैश हैं। ये सर रणबीर सिंह के नाम से आईडी है, पंजाब विभाग का एड्रेस है। सर गाड़ी के पेपर्स रणबीर सिंह के हैं, और सर ये विश्व कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी का लेटर हेड मिला है, इसका एड्रेस नेहरू प्लेस है और इस पर रणबीर सिंह के साइन है सर। रणबीर सिंह प्लेस। तेरी कार कहाँ रिया? खराब हो गई थी तो दोस्त के घर पार्क करी। और रात भर थी कहाँ तू? दोस्त के घर। कौन से दोस्त के घर? हाँ रिया, कौन से दोस्त के घर? ये वो कार। ये तो मेरे जीजा जी की कार। कार के पास हमें एक लाश भी मिली। लाश? रणबीर नाम है तुम्हारे जीजा का। जी दीदी सुबह से इनके लिए परेशान है। रात को कहाँ गया था रणबीर? 11:30 तक तो यहीं, उसके बाद घर ही निकले थे। अगर वो सर कर... एक मिनट आइए। सर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो मालूम चला कि आदमी का प्राइवेट पार्ट काटा गया है। सर जी सर। नहीं ये रणबीर नहीं हो सकते। ये कपड़े हमें विक्टिम की बॉडी पे मिले हैं। रणबीर का ना सिर्फ कत्ल हुआ है बल्कि उसका प्राइवेट पार्ट तक काट दिया गया। कौन कर सकता है रणबीर के साथ ऐसी हैवानियत? किसी के साथ उसकी दुश्मनी, झगड़ा, शक है किसी पर आपको? रणबीर की लाश की जो हालत है उसको देख के ये लगता है कि यह मामला ऐसी जुनूनियत का है जहां पर मोहब्बत और बेवफाई की नफरत छुपी हुई है। रणबीर का किसी के साथ कोई अफेयर था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। He was a very loyal husband.
सर। कमें। सर कुशल के चाचा के घर तो ताला लगा हुआ है। मैंने जो पड़ोसी से बात की तो वो लोग ये सुनकर हैरान हो गए कि कुशल की शादी हो चुकी थी। मतलब गांव में कुशल की शादी का किसी को पता ही नहीं? नहीं सर, उन लोगों का तो कहना है कि ये दोनों चाचा भतीजा काफी अय्याश थे, दारू और जुआ ये सब शौक थे उनके। तो क्या बिन्नी के फादर ने बिना किसी जांच पड़ताल के कुशल से बिन्नी की शादी कर दी, या फिर कोई और मसला है? सुन, तने जो समझाए हो वही बोलना। ये हमारे बेटे की फोटो है जग्गी की, सिर्फ ऐसे परिवार को देना जो खानदानी हो। महावीर जी क्या कर रहे थारा बेटा? बिहारी पुश्तैनी दुकान है, वही संभालता है जग्गी। लेकिन एक बात साफ कर दूं, हमारे बेटे की पहले भी शादी हो चुकी है लेकिन रिश्ता निभ ना सका। ना निभने की क्या वजह है? हमारी मांग पूरी ना कर सके। महावीर जी क्या मांग है थारी? 50,000 नगद, जो दे सके उसी को फोटो देना मेरे बेटे की। आपका राशन, हम बाबा ने बोला है आपका पिछले का बकाया बाकी है, तो पिछले का और आपका मिला के सामान तो भीतर है, हिसाब भी कर लेंगे। अरे दीदी दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? दीदी होगी तेरी बकरी, ठीक है? दीदी क्या क्या कर रही हो तू? तेरी सौत, चल शुरू कर वरना चिल्ला के सारा पड़ोस इकट्ठा कर लूंगी। ये तुम गलत कर रहे हो संजय, घपला करके तुम मुझे डबल क्रॉस कर रहे हो। दीदी कैसी बातें कर रही हो, मैं आपको डबल क्रॉस क्यों करूंगा? ये तो क्या, ये तो हाँ क्या सर, रणबीर की कंपनी एरिया की एक नामी कंपनी है, वो एक रेप्यूटेड बिजनेसमैन था और उसकी कंपनी के कई सारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं। देखिए रणबीर के साले ने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे ऐसा लगे कि एंगल बिजनेस राइवलरी का हो। लेकिन सर एंगल अफेयर का दिख रहा है रणबीर की सीडीआर देख के, जितना फ्रीक्वेंटली वो संगीता शर्मा को कॉल करता था लग रहा है कि इन दोनों का अफेयर था। मैं शर्मा टाइल्स की मालकिन हूं, हमारी कंपनी रणबीर की कंपनी को टाइल्स सप्लाई किया करती थी इसीलिए वो मुझे कॉल करता था। हमने तुम्हारे और रणबीर के सीडीआर क्लोजली एग्जामिन किए, तुम दोनों के फोन अक्सर नैनीताल में एक साथ एक्टिव रहते थे। इस हिल स्टेशन पे कौन सी बिजनेस डील होती थी तुम दोनों के बीच? उत्तराखंड में मेरी काफी सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। चलो मानो तुम दोनों का अफेयर नहीं चल रहा, लेकिन रणबीर की हत्या से पहले 5 अप्रैल को रात 12 बजे रणबीर ने तुम्हें फोन क्यों किया था? हाँ रणबीर बोलो। हेलो हेलो रणबीर, तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है। नेटवर्क इशू की वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आया कि रणबीर मुझसे क्या कहना चाह रहा है और उसकी कॉल कट हो गई। जब मैंने उसे कॉल बैक किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिलहाल तुम जा सकती हो, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। सर ये हमें घुमा रही है, शादीशुदा है लेकिन इसका पति अमन दुबई में रहता है। ये अमन की डिटेल्स है सर। पीछे रहिए, पीछे रखो सब। कैसे हुआ ये सब? ये सब आपकी वजह से हुआ है, हमने हमारी बेटी खोई और आपने हमारा जीना हराम कर दी। कितने में बेचा बिन्नी को? ऐसे मत बोलिए साहब, हम तो चाहते थे हमारी बेटी का घर बस जाए। हमें सब पता है, तुम लोगों को पता है कि कुशल उसका चाचा का फरार हो गए। हम अपनी बेटी का बुरा क्यों चाहेंगे साहब? ठीक है मत बोलो, इन दोनों की खाल तब तक वो देते रहो जब तक ये दोनों सच ना बोले। आपने सिर्फ मारा घर वाला की खाल नहीं उधड़वाई बल्कि पड़ोस में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। आपके जुल्मों की वजह से इन्होंने आत्महत्या कर ली।
बाबा मेरी जिंदगी ना खराब करो, मैंने फिर से ब्याह ना करना। मैंने शगुन ले लिया है, ब्याह तो करना पड़ेगा। और इस बार जो तन्ने मेरी नाक कटवाई ना तो बोलिए क्या सेवा कर सकता हूँ। ये सामान ताऊ जी घर भिजवा देना। जग्गी जल्दी लेके आ जाना। सर ये फुटेज हमें रणबीर के ऑफिस से थोड़ी दूरी पर एक सीसीटीवी कैमरे में मिला। इसमें सर रणबीर की कार में एक लड़की बैठी हुई दिखाई तो दे रही है, पर अंधेरे की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। सर मुझे समझ नहीं आ रहा है लड़की कौन है। तुम अपने जीजा की रंगीन जिंदगी के बारे में तो सब कुछ जानते ही होगे। सर आप मेरे मरे हुए जीजा जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तुम्हारे जीजा के कातिल का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने उसको मार डाला, मारने के बाद प्राइवेट पार्ट तक काटा। और तुम और तुम्हारी बहन किसी पे शक था नहीं जता। ऐसा तो नहीं है कि कहानी उल्टी है। आप कहना क्या चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको कुछ दिखाना है। सर ये देखिए, आज हमने फिर से ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज निकाली है। हत्या वाली रात रणबीर रात को 11:30 बजे ऑफिस से बाहर निकला और उसके 20 मिनट पहले ये लड़की ऑफिस से बाहर निकली। सर इस लड़की की कद काठी और कपड़े उस दूसरी फुटेज वाली लड़की से काफी मैच कर रहे हैं। देखिए सर, सर उस रात मैं ऑफिस से लेट निकली थी तो मुझे ऑटो नहीं मिल रहा था, इसलिए रणबीर सर ने मुझे लिफ्ट दी थी। उसके बाद सर ने मुझे घर पे ड्रॉप किया और फिर वो चले गए। अगर उसने तुम्हें जहांगीरपुरी पे ड्रॉप किया तो वो वहां से वापस अपने ऑफिस क्यों आया। सर ये मैं कैसे बता सकती हूँ। जो कहानी तुम हमें अब बता रही हो, ये कहानी तुमने हमसे तब क्यों नहीं बताई जब हमारी टीम गई थी वहां पर पूछताछ करने, और हमारे वहां से आने के बाद तुम रणबीर के केबिन में क्या करने गई थी। वो मैंने रणबीर सर के केबिन में हिडन कैमरा लगा रखा था। क्यों। सर मैंने 2 महीने पहले ही ऑफिस ज्वाइन किया और तभी से ही रणबीर सर मुझे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे थे। आई लाइक योर डेडिकेशन। मैं चाहता हूँ तुम्हें प्रमोट कर दूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी तो कुछ करना होगा। तो मैं उनके कैबिन में कैमरा लगाकर उनके खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करना चाहती थी ताकि मैं उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकूं। एक्शन या ब्लैकमेल। जो कहानी तुमने हमसे बताई है उस हिसाब से तो तुम्हें रणबीर से खतरा होना चाहिए था। जो तुम्हारे हिसाब से अच्छा आदमी नहीं था उससे तुमने इतनी रात को लिफ्ट ली अकेले। सर मैंने बोला ना उस रात ऑटो नहीं मिल रहा था, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तुम उसे ट्रैप करके अपने साथ ले गई, मरवा दिया उसको, यहाँ तक कि उसका। सर मैं सच बोल रही हूँ, उस रात उन्होंने मुझे 12 बजे मेरे घर पर ड्रॉप किया और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। उसके बाद वो कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। सर इन्फॉर्मेशन पक्की है, दोनों चाचा भतीजा इसी गांव में छुपे हैं। थोड़ा आगे कुशल के चाचा का घर। सर लोगों को धोखा देने के लिए घर के बाहर ताला लगा रखा उन्होंने। भतीजा कहाँ तेरा। साहब मुझे कुछ नहीं पता, 2 दिन से मुझे इस कमरे में बंद करके गया है, कहता था कोई इंतजाम हो जाएगा तो ले जाऊंगा। साहब मैंने बलात्कार हुआ था बिन्नी का, तूने भी किया था। नहीं 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 साहब, वो तो बहुत ही मेरे साहब। तो उसके बाप के सीने में कौन सा राज छिपा था जो उसको ऊपर पहुंचा दिया। अब मैंने कुछ ना किया साहब, अरे मैं तो खुद बच गया साहब अपने भतीजे का रिश्ता उन लोगों से करके। हाँ पता किया हमने, बिन्नी के साथ तो शादी तू करना चाहता था, तेरे दोस्त बनवारी ने तुझे जयचंद से मिलवाया था है ना। बनवारी तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी का ब्याह इतनी उम्र वाले से करवा दूंगा। अरे ना सर ना, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। कैसे। मैं अपने रिश्ते की बात करने नहीं आया, मैं तो अपने भतीजे के रिश्ते की बात करने आया हूँ। वो कह दहेज में रुपए ज्यादा दे रहा था और मुझे लालच आ गया तो मैंने सोचा क्यों ना अपने भतीजे को ब्याह दूं। जब तक ये सच ना बोले और अपने भतीजे का पता ना बताए तोड़ते रहो उसको। मैंने कुछ कुछ नहीं किया ना। सर रत्ना वहीं के वहीं है। रत्ना का कहना है कि रात के 12 बजे रणबीर ने इसको जहांगीरपुरी में ड्रॉप किया था। उसके 1/2 घंटे के बाद रणबीर के फोन से संगीता को फोन किया गया और उस वक्त रणबीर के फोन की लोकेशन थी क्राइम सीन। डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आ रही है, उसी से पता चलेगा कि रणबीर का मर्डर किस वक्त हुआ था। सर रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी,
लेकिन रत्ना का एक और स्टेटमेंट गौर करने लायक है। उसका कहना है कि जब रणबीर उसको छोड़ने जहांगीरपुरी जा रहा था तो बार बार अपनी बेटी रिया को कॉल कर रहा था। रणबीर के सीडीआर के मुताबिक उस रात रणबीर ने अपनी बेटी रिया को कोई कॉल नहीं किया था। हो सकता है कॉल नहीं लगा इसलिए सीडीआर में नहीं आया। जरा बात करो रणबीर की बेटी से। जी सर। सर हम संगीता रणबीर के अफेयर का एंगल देख रहे थे, लेकिन सर इनकी कंपनीज के बैंक ट्रांजैक्शन देख करके तो मामला कुछ और ही लगता है। रणबीर की हत्या के 20 दिन पहले रणबीर की कंपनी का खाता लगभग खाली हो चुका था। रणबीर की विश्वा कंस्ट्रक्शन कंपनी से 37 करोड़ ट्रांसफर हुए संगीता की कंपनी में से। 37 करोड़? मैंने माँ को बोला था बाहर मत जाओ, लेकिन वो गाड़ी, उस गाड़ी का नंबर नोट किया था तुमने? उस गाड़ी ने जानबूझ के तुम्हारी माँ को टक्कर मारी? नहीं, माँ खुद टेम्पो के आगे कूद गई। मैं भी अब मर जाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। तुम्हारे झूठ का पहला काला चिट्ठा होटल के बिल्स, जहां तुम रणबीर के साथ रुका करती थी, और दूसरा तुमने रणबीर को रिझाकर उसके करंट अकाउंट का एक्सेस ले लिया और 37 करोड़। वो 37 करोड़ उसने खुद मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। संगीता, मेरे साले की नजर है मेरे पैसे पे। मुझे लगता है वो और मेरी बीवी मिलकर मुझे धोखा देने वाले हैं। बट रणबीर, 37 करोड़, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, और उसका इनकम टैक्स। अरे टैक्स अमाउंट काट के तुम मुझे कैश दे देना। कहानी बनाना बंद करो, इन्हीं पैसों के लिए आप ये बात उसकी बीवी और साले से जाकर क्यों नहीं पूछते? उन्हें तो अच्छे से पता था मेरे और रणबीर के अफेयर के बारे में। कुछ मेरे पति मिला कमीनी? क्या बकवास कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? हट! कहाँ छुपा के रखे उसे? हाँ, दिखा देना अपनी औकात। इनफैक्ट मुझे तो खुद डर लग रहा है, कहीं वो औरत मुझे भी ना मर पा दे। पलक, तुम्हारे साथ एक दिन रह के हमारी लेडी कांस्टेबल को पता चल गया है कि तुम्हारे पेट में बच्चा है। नहीं, छूट मत बोलो, हमने पता कर लिया है। हम उस डॉक्टर के पास भी गए थे जिसके पास तुम्हारे पापा तुम्हें लेकर गए थे तुम्हारा बच्चा गिराने के लिए, पर उस डॉक्टर ने बच्चा गिराया नहीं क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा था। बेटा डरो मत, हमें सिर्फ सच बता दो, क्या तुम्हारे साथ भी बलात्कार? विहान और सोहम को तो जानती हो? हाँ, देखो बेटा, हमने ये भी पता कर लिया है कि जब तुम 7 साल की थी और बिन्नी 8 साल की थी तो तुम्हारे पापा ने विहान से तुम्हारा और सोहम से बिन्नी का बाल विवाह करवाया था, तो फिर कुशल की शादी बिन्नी से क्यों है? बिन्नी दीदी, मैंने सोचा था कि ब्याह के बाद हम दोनों साथ रहेंगे, लेकिन अपनी किस्मत ही मारी है। किस्मत तुमने बिगाड़ी है मारी, थारी वजह से मैं इतने बड़े उम्र के आदमी के साथ ब्याही गई। अलग बेटा डरो मत, हमें बताओ तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है? मैं जानती थी कि रणबीर मुझे धोखा दे रहा था, लेकिन मैं अपने मरे हुए पति को बदनाम नहीं करना चाहती थी इसलिए चुप थी। चुप इसलिए थी क्योंकि कत्ल करके बैठी थी। अपने भाई से मरवाया ना रणबीर को? नहीं सर, ये संगीता का कांड है, उसने जिया जी की कंपनी का पैसा। ये बात भी तो तूने हमसे पहले नहीं बताई, और संगीता का कहना है कि वो 37 करोड़ रुपए कैश दे चुकी थी रणबीर को। ये सारा पैसा गबन किया ना तुम दोनों? झूठ बोल रही है वो, उसने मुझसे मेरा पति छीना और हमारी दौलत भी। सर मैंने कंफर्म किया है, रणबीर की हत्या वाली रात उसकी बेटी रिया गायब थी, और उसके सीडीआर से एक फेक आईडी का नंबर भी मिला है सर। उस नंबर से वो 2 महीने से टच में थी, और सर सबसे बड़ी बात, रणबीर की हत्या वाली रात वो दोनों नंबर एक ही साथ एक लोकेशन पर एक्टिव थे। सर मैं सच कह रही हूँ, मेरे पापा के मर्डर केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये नंबर किसका है? ये नंबर तो मेरे दोस्त राहुल का है सर। उस दिन रात को मैं इसी के साथ थी, और वहां वो आदमी सर वो हमारे पैसे मोबाइल सब लूटना चाहता था, लेकिन राहुल ने उसके साथ फाइट करने की कोशिश की तो उसने राहुल को सर मैं किसी तरीके से बच के जंगल में छुप गई। मैं नशे में थी इसलिए बेहोश हो गई थी सर। अगली सुबह जब मुझे होश आया तो मैं कैब लेके घर आ गई। तो ये बात तुमने हमसे पहले क्यों नहीं बताई?
सर मैं बताना चाहती थी लेकिन मैं बहुत डर गई थी सर। कहाँ हुआ था ये सब? सर सर हमारी गाड़ी यहीं पार्क थी और राहुल का मर्डर यहीं हुआ था। अच्छा चेक करो कुछ मिलता है क्या? देखो इस जगह को देख के ऐसा लग तो नहीं रहा है जैसा ये बोल रही है, फिर भी आसपास की पुलिस से पता करो कि 15 दिन पहले यहाँ कोई लाश मिली थी क्या, और ये भी मालूम करो कि अपनी कहानी को सच करने के लिए से अपनी कार कहाँ गए आपकी। राहुल रहता कहाँ था? सर मैं 2 महीने पहले उससे फगस पब में मिली थी। सर उसने बताया था कि वो राजस्थान से लेकिन दिल्ली अपने बिजनेस के लिए आया करता था, लेकिन सर वो जब भी दिल्ली आता था मुझे जरूर कॉल करता था। फोटो है कोई राहुल का तुम्हारे पास? जी सर। मैंने मिलने के साथ सिर्फ संबंध बनाया था लेकिन वो बड़ी नाजुक थी, खेल ही ना पाई मैंने। तो तेरे चाचा ने भी उसके साथ? नाना साहब मैंने तो बस उनके देखने के लिए खिड़की को ही छोड़ दी थी। वो फिर छोरी रात भर रोती रही, हमारी आंख लग गई साहब। फिर उसके बाद उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं मैंने नहीं मालूम साहब, सच कह रहा हूँ। सर बिन्नी को एक और लड़के के साथ देखा जाने की इंफॉर्मेशन मिली। एक तरफ राजस्थान के कई गांव और कस्बों में बिन्नी की हत्या की जटिल पहेली सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली शहर के एक बड़े बिजनेसमैन रणवीर की हत्या के रहस्य ने दिल्ली पुलिस को उलझा के रखा हुआ था। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ऑनर किलिंग, धोखाधड़ी, जालसाजी, कई मल्टीपल एंगल पे काम करने के बावजूद पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई थी। हत्या की एक गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। सवाल ये भी गंभीर थे कि क्या रणवीर की बीवी पद्मा अपने पति को मरवा सकती है? क्या उसकी बेटी रिया का इस हत्या में हाथ हो सकता है? क्या रणवीर का साला संजय और रणवीर की एम्प्लॉय रत्ना ऐसा षड्यंत्र रच सकते हैं जिसमें सुराग तक ढूंढना आसान नहीं लग रहा था? पुलिस अपराधी द्वारा रची गई परिधि पर गोल गोल घूमे जा रही थी। इस अपराध के केंद्र तक पहुंच पाना पुलिस को आसान नजर नहीं आ रहा था। सर ये राहुल नहीं राका है, पिछले 7 साल से राजस्थान पुलिस की वांटेड लिस्ट में है। आरोप क्या इस पे? सर इसने 10 साल पहले अलवर के एक सुनार को चोरी के गहने बेचे थे, वो गहने इसने बीकानेर से चुराए थे। इसके साथ एक नामी क्रिमिनल भी शामिल था। सर बीकानेर पुलिस की इंक्वायरी के बाद फोटो सामने आया इसका, लेकिन ना तो ये पकड़ में आया ना इसका साथी। ये राहुल उर्फ राका क्या वाकई में रिया का लवर होगा? शब्द कोई सुपारी किलर अनंत जिस रिया, रिया की माँ, रिया का मामा, इन सब का राजस्थान कनेक्शन पता करो और बीकानेर पुलिस से इस केस की डिटेल लो। ओके सर। पलक तुमने तो कुछ बोला नहीं लेकिन हमने पता कर लिया है, बिन्नी अक्सर गांव के बाहर एक लड़के से मिलती थी। एक गवाह की मदद से हमने उस लड़के का फोटो बनवा लिया। ये देखो, इस लड़के से बिन्नी का चक्कर चल रहा था, जानते हो उसको? ए छोरा कौन है तू, अंदर क्या देख रहा है? वो आप माफ करना छोटे जवाई सा, मुझे लगा कोई और है। ये लड़का तुम्हारा पति? लेकिन तुम्हारा बाल विवाह तो बयान से हुआ था। जब हमारा ब्याह हुआ तब मैं सिर्फ 7 साल की थी और ये लड़का तब आया जब मैं 15 की थी। तो तुम लोगों ने इसको तुम्हारा पति समझ लिया? बहुत बड़ी गलती कर दी, वो सब लूट के चला गया। मैं किसी को बता नहीं पाई, बिन्नी दीदी मुझे कोसती थी, तो उस दिन मैंने हिम्मत की। तू पेट से? वो कमीना जग्गी तुझे पेट से कर गया और तूने मुझे बताया भी नहीं? दीदी दीदी मैं डर गई थी, लेकिन थारे को उसका नाम कैसे पता? मूर्ख थी जो उससे प्यार कर बैठी। उस दिन वो मुझे देखने आया था और माँ ने उसको तेरा पति समझ लिया। हम फिर भी माँ बाबा को सच नहीं बता पाए, फिर बिन्नी दीदी ने आत्महत्या। मुझे जिंदा नहीं रहना, मैं भी जा रहा हूँ। बेटा
ये राका है, आपके बेटे जग्गी का दोस्त है ना ये? पिछले 24 साल से मैंने राका को ना देखा साहब। ये राका तो गंदे तालाब की छोटी सी मछली है, बड़ी मछली तो आपका बेटा जग्गी है। राजस्थान के आपराधिक इतिहास में उसके नाम पर क्या क्या लिखा गया है जानते ही होंगे आप। 24 साल पहले बित्ता सा था मेरा लड़का और मुझसे कहता था बाल विवाह गुनाह है। मन्ने जितना मार रहे मार लो बापू, लेकिन मैं ब्याह ना करूंगा। अरे कैसे नहीं करेगा ब्याह, ब्याह तो तुझे करना पड़ेगा। वो मुझसे भी तंग था और दीप्ति से भी, मार कर भाग गया उसे। एक दो नहीं, पूरे राजस्थान में 55 से ज्यादा मामले हैं उसके नाम पर। कई बच्चों ने उसके जुल्मों का शिकार होकर आत्महत्या कर ली। सिर्फ 15 साल की उम्र में वो बच्ची पलक माँ बन गई और बच्चे को जन्म देते हुए मर गई। 18 साल की उम्र में तो आपके बेटे ने अपना गैंग बना डाला। मैंने आज तक 7 सुहागरातें बनाई हैं और अब मन ने सेंचुरी मारनी है, 100 सुहागरातें। और राका, आज से तू मेरा पार्टनर। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने 20 साल से उन दोनों को ना देखा। देखो अगर हाँ वर्मा बोलो। सर, रणवीर की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, लेकिन उसमें लिखी एक बात काफ़ी उलझा रही है। कैसी बात? सर, पोस्टमार्टम डॉक्टर्स का अनुमान है कि मरने वाले की उम्र 35-40 की होगी, लेकिन मौत के वक्त रणवीर की उम्र 44 साल की थी। आप लोगों से कुछ हुआ नहीं तो अब रिया का डीएनए लेने आ गए। हम बस इतना कंफर्म करना चाहते हैं कि वो लाश रिया के फादर रणवीर की। रिया रणवीर की बेटी नहीं है। 7 साल पहले मेरी दूसरी शादी हुई थी। रणवीर आपका दूसरा पति था? जी। तो रणवीर की फैमिली? मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो काफी पहले गुजर गए थे। लेकिन पहले आपने हमसे ये नहीं बताया था कि रणवीर आपका दूसरा पति था। आप दोनों की लव मैरिज थी? नहीं, वो मेरे स्वर्गीय पिताजी की पसंद थे। जब मेरे पहले पति गुजर गए थे तो एक मैच मेकर के थ्रू हमारा रिश्ता फाइनल किया था। कौन मैच मेकर? ये मैं नहीं जानती, ये तो सिर्फ पिताजी जानते थे। सर, मैंने जग्गी और राका का क्राइम पैटर्न स्टडी किया। 1996 से 2007 तक इन दोनों ने गांव की बच्चियों को अपना शिकार बनाया और उसके बाद शहर की लड़कियों को टारगेट करना शुरू कर दिया। सर, पूरे चांसेस हैं कि ये राहुल उर्फ राका इसी ने रणवीर की बेटी को ट्रैप किया हो। पर रणवीर की बेटी रिया का तो कहना है कि उसने राहुल के मर्डर को विटनेस किया था, लेकिन राहुल की लाश नहीं मिली अभी तक। जग्गी की जो फोटो है हमारे पास वो 25 साल पुरानी है, जब जग्गी 18 साल का था। 25 और 18 सर लगभग 43-44। 44 साल का तो हाय शिल्पा। उमर सर, ये जग्गी के फोटो के फीचर्स रणवीर के फोटो के फीचर्स से मैच तो हो रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर ये दोनों एक ही होंगे। अगर एक ही हुए तो? आनंद जी सर, रणवीर की फोटो इंडिया के सभी थानों में सर्कुलेट करो। अगर यही असली गेमर है तो कई थानों में इसके कारनामे चार्जशीट हुए होंगे, और सभी मैट्रिमोनियल साइट्स पर मेल डेटा चेक करो। हो सकता है जग्गी इलाका वहां भी गुल खिला रहे हो। ओके सर। घर में चोरी हुई है। अरे मैंने तो की है चोरी, और सुनो मैं तुम्हारी कार भी ले गया हूँ। फोन? सॉरी शिल्पा, तुम मेरी 70वीं बीवी थी और अब मुझे 71वीं की तलाश है। सो गुड बाय। 3 दिन पहले इंदौर के थाने में इस उमंग पर एक केस दर्ज हुआ है। ये वहां से इस शिल्पा नाम की लेडी को चूना लगा के भागा था। इंदौर पुलिस को ट्रेल मिली थी? सर 3 अपडेट है। एक तो शिल्पा की कार भी लेके भागा था। 3 दिन पहले उस कार ने झांसी का टोल नाका क्रॉस किया था, उसके बाद वो दतिया की तरफ गया, और सर उसका आखिरी बार मोबाइल भी दतिया में ही ऑफ हुआ। दतिया में भी एक टोल नाका है, वहां की फुटेज? सर मैंने चेक की लेकिन वहां कार नहीं दिखी। इसका मतलब ये है कि वो झांसी और दतिया के बीच में कहीं होना चाहिए। इन एरिया में जितने भी लॉजेस होटल्स हैं सब चेक करो क्विक। ओके सर।
आप कौन है पहचाना नहीं। अरे भाई साहब ये आगे जो पुलिस स्टेशन है ना वहां तक जाना है, प्लीज छोड़ दीजिए ना। 25 साल पहले उस दीप्ति ने मुझे शैतान बना दिया, तब से लड़कियां भाती नहीं थी मुझे, और उनका पैसा भाता था। पहले लड़कियों से दोस्ती करता और फिर उनका घर लूट के गायब हो जाता। विनी के साथ भी यही करने वाला था मैं, लेकिन जब उसके घर वालों ने मुझे अपना जवाई समझ लिया तो तुझे तेरा मुंह मिल गया, तू और तेरा दोस्त राका कमों में ऐसी लड़कियों की रेखी करते जिनका कोना होने वाला था, जिनके परिवार वालों ने अपने जवाई को सालों से नहीं देखा था, पर तू तो एक दिन का जवाई बनता रहा। पद्मा के साथ 7 साल तक कैसे टिक गया? उसके पैसे के लिए। मेरे मैच मेकर दोस्त ने मुझे पद्मा का पति तो बना दिया, लेकिन मेरी नजर थी उसके बाप के करोड़ों के बिजनेस पे। उस पुट्ठे को ऐसा विश्वास में लिया कि उसने अपने बेटे संजय की बजाय मुझे सब कुछ सौंप दिया। जब सब कुछ मेरे हाथ में आ गया तो मैंने संगीता को पटाया, सारा पैसा उसके अकाउंट में डाला और फिर कैश निकलवा लिया। कह रखा मिल तो गया था आपको, वही जिसका प्राइवेट पार्ट कटा था, अपने मजे के लिए मेरा खेल बिगाड़ रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना उसको अपना अक्स बना दूं। मेरा प्लान था कि इस बार आप लोग मेरे ही मर्डर में उलझे रहोगे, और जब मेरी लाश के साथ में रिया की भी लाश मिलेगी तब तो केस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। रत्ना को लिफ्ट देना, संगीता को कॉल करना, सब मेरे प्लान का हिस्सा था आप लोगों को उलझाने के लिए। यही तो गलती कर गया तू एक ऐसे पुलिस ऑफिसर को उलझाना चाह रहा था जिसने तुझसे बड़े बड़े सांपों को दबोचा। इंसान अपने तौर तरीके तो बदल सकता है लेकिन फितरत नहीं, और यदि किसी की फितरत बुरी हो तो वो एक वक्त के बाद इतना फितूरी हो जाता है कि उसकी ये फितरत समाज के सर्वनाश का कारण बन जाती है। ये सच में हैरान करने वाली बात है कि एक 16 वर्षीय लड़का जग्गी, जो कभी खुद बाल विवाह जैसी प्रथा के खिलाफ बगावत करके अपने मंडप से भाग खड़ा हुआ था, उसने कई बाल विवाहित बच्चियों के साथ न केवल कुकर्म किए बल्कि कई लूट और चोरियों को भी अंजाम दिया। पलक और बिन्नी जैसी कई लड़कियों के परिवार तबाह हो गए। पिछले 20 साल में जग्गी उर्फ रणवीर द्वारा 55 से ज्यादा अपराध किए गए। पिछली जांच टीमें उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाई थी, इसलिए उसके मंसूबे इतने मजबूत हो गए थे कि जग्गी पिछले 2 दशक का बेहद खूंखार अपराधी बनके दुनिया के सामने खड़ा हो गया। किसी भी अजनबी पे भरोसा करने से पहले कई बार सोचे, क्योंकि अगर हम सतर्क नहीं है तो हम भी ऐसे अपराध और अपराधियों का शिकार आसानी से बन सकते हैं। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे, हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।